दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग सो ग्रेट। और आज मैं जा रहा हूँ द केरला स्टोरी देखने और पूरा रिव्यू करूँगा कैसी मूवी और कैसी नहीं है। सो पूरा ब्लॉग देखना आप। मुझे भी नहीं लगा कि मैं जिंदा बच पाऊंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर सेविंग माय लाइफ। सर, मेरी बेटी मुझसे छीन ली गई और जो लोग उसको लेके गए ना, वो बहुत डेंजरस लोग हैं। आई डोंट नो क्या करेंगे उससे। सर प्लीज प्लीज मुझे अपनी बेटी से मिलवा दो, अच्छे से फाइन डांस में कोई नहीं मिलने वाले। सर क्या आ चुका हूँ मैं, बहुत पहले देख के आ चुका था, दूसरी बार देखने गया था। और मूवी को अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूँ तो ब्लॉकबस्टर है यार ये मूवी। इस मूवी में जो जो सीन दिखा रखे हैं वो इंडियन सिनेमा में आप लोगों ने कभी नहीं देखे होंगे, कभी नहीं। मतलब ये वेब सीरीज को भी बीट कर चुका है। इस मूवी में ऐसा ऐसा कंटेंट डाल रखा है और इतनी रियलिटी डाली है, रियलिटी के साथ मैंने इस मूवी को शूट किया है कि मैं अंदर से कह रहा हूँ कि जय श्री राम और मुस्लिम से दूर रहो आप लोग, चाहे लड़का हो लड़की हो, मुस्लिम से दूर रहो। ये मूवी देखने के बाद को हाँ मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मुस्लिम का अगेंस्ट खड़ा हूँ, लेकिन तब भी जिस तरह से मूवी में दिखा रहे हैं कि मतलब कैसे ग्रुप में चार लड़कियाँ होती हैं, एक मुस्लिम होती है और सारी क्रिश्चियन या हिंदू होती है, कैसे वो भड़काती है ताकि वो सब कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन जाए। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानते हो? आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन माइंड की तरह रोता हो वो गॉड कैसे हो सकता है? हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है। Because Allah always protects us. Are you trying to say only Allah protects? फिर उसके बाद मूवी में मतलब और भी आगे चीज जाती रहती है, मैं मूवी पूरी आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन लड़की को हिंदू लड़की को पकड़ के कन्वर्ट कर देते हैं जबरदस्ती। दिखाया जबरदस्ती लड़की को पता नहीं चलता कि वो कब मुसलमान बन गई, हिंदू से कब मुसलमान बन गई, ऐसी ऐसी सिचुएशन बना देते हैं लड़की के सामने। सो और मुझे ये भी बताना चाहता हूँ कि ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होगी, ऑल टाइम। जैसे कश्मीर फाइल आई थी अभी आई है और ये मूवी बनाने का सही ओपिनियन था। इस मूवी सही चीज़ें बता रखी और वेस्ट बंगाल में इस मूवी को बैन कर रखा है, इसलिए बैन कर रखा है क्योंकि वहाँ मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इस मूवी को बैन कर दिया वहाँ पर। सो और इस मूवी में ज़्यादातर मैं चाहता हूँ कि आप ये मूवी ज़रूर देखने जाए, चाहे आप फास्ट एंड फ्यूरियस 10 ना देखें, लेकिन ये मूवी ज़रूर देखें आप, क्योंकि इस मूवी में मतलब आपको पहली बात तो एक अच्छा माइंडसेट आपका खुलेगा, दूसरी बात आप कुछ नया सीखोगे, ठीक है। ये चीज़ तो मतलब ये मूवी कम से मुझे लगता था 1950 में बन जाती है ऐसी फिल्में तो आज हमारे देश कहीं और ही होता ऊपर। तो इस मूवी में मतलब बहुत बहुत पर्टिकुलर चीज़ें ले रखी है, सीन्स ले रखे हैं कि मतलब जागरूक करने के लिए हम जैसे हिंदू बंदों को कि वो ना ट्रैप में मुस्लिम के, कुछ मुस्लिम अच्छे भी होते हैं वो उसमें दिखाए नहीं, लेकिन बहुत अच्छी तरह से मूवी शूट की और बनाई गई है। अगर मैं इस मूवी में कोई अपना फेवरेट सीन की बात करूँ तो मेरा फेवरेट सीन कोई भी नहीं है, क्योंकि इस मूवी में फेवरेट सीन नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसमें सारी चीज़ पूरी मूवी आपकी फेवरेट होगी, क्योंकि इस मूवी में बहुत वल्गर सीन्स हैं, बहुत वैसे सीन हैं, क्योंकि जब मैंने मूवी नहीं देखी थी तो मैं सोचा था ये मूवी यहाँ इस लेवल होगी, लेकिन जब मैंने मूवी देखी तो मेरे सर के ऊपर से है। मतलब इतना बढ़िया तरीके से बनाया मूवी को, पिक्चर को। अगर मैं एक चीज़ मूवी की डिसएडवांटेज की बात करूँ या फिर एक नेगेटिव पॉइंट की, कि इस मूवी को सिर्फ 3 घंटे के लिए बनाया गया, 3 घंटे 15 मिनट आई गेस, और मैं चाहता था कि इसका 4 घंटे या फिर इसका सीक्वल भी आए, द केरला स्टोरी 2 भी आए और मूवी को बढ़ा करके और अच्छी तरह से दिखाया जाए जो आजकल ट्रैप हो रहा है हमारे इंडिया में, अभी भी हो रहा है। जैसे मेघालय में चल रहा है 50% शायद वहाँ पर लोग मुस्लिम हो चुके हैं। सो और अगर आपके घर में कोई लड़की है जो 20 के ऊपर है या 22 के ऊपर है तो प्लीज़ इसे मूवी सजेस्ट करें, प्लीज़ दिखाएं। मूवी की टिकट भी इतनी ऊपर नहीं है, 200 रुपये की है, ये हो जाएगा सबसे। और प्लीज़ मूवी दिखाएं लड़कियों को ताकि जागरूक हो, मूवी देख के जागरूक होना ज़रूरी है, अभी टाइम आ चुका है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।